नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, पत्रकार, मेवात सिटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। बता दें, जिला बागवानी अधिकारी नुह ने जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी विभाग नुह की ओर से उन्नत तरीके से सब्जियों के उत्पादन लेने के लिए शुरू की गई वर्टिकल पद्धति द्वारा खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत सब्जियाँ उगाने में किसानों को बागवानी विभाग की तरफ से 50% अनुदान राशि दी जा रही है। इस तकनीकी को अपनाने पर किसानों को 31,250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 2.5 एकड़ पर 78,125 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस पद्धति से न केवल सब्जियों का उत्पादन दोगुना बल्कि बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है, जिससे किसानों को आमदनी 2-3 गुना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस पद्धति में बेल वाली सब्जियों, टमाटर व शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। वर्टिकल पद्धति के फायदे, हमारे देश में सब्जियों पर ओले, ज़्यादा बरसात व मिट्टी लगने की संभावना रहती है, जिससे कि फसल नष्ट हो जाती है। उसका आकार व रंग बांस के सहारे बढ़िया होता है, जबकि जमीन पर टिकने से निचला हिस्सा दागदार या अलग रंग का दिखाई पड़ता है, जिससे बाजार में ग्राहक उसको पसंद भी नहीं करते व जमीन पर पड़ी हुई सब्जियों, फलों में कीड़े व बीमारी भी ज़्यादा आती हैं व कुछ बेलों के अंदर छुपे रह जाते हैं, जिसको किसान तोड़ नहीं पाते और खराब हो जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत बांस व बल्लियों के माध्यम से सब्जियां उगाई जाती हैं और वह जमीन पर ना टिक कर हवा में ही लटकी रहती हैं जिससे कि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है व कीड़े और बीमारियों से बचाया जा सकता है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं जिला उद्यान अधिकारी मेवात डॉक्टर दीन मोहम्मद हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट मेवात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये वर्टिकल पद्धति पिछले साल से मेवात में शुरू करवाई है। और ये वर्टिकल पद्धति की खेती जो होती है, ये बांस के ऊपर होती है और बांस के ऊपर ही बेलदार सब्जियों को चढ़ा देते हैं, टमाटर को चढ़ा देते हैं, शिमला मिर्च को भी लगाते हैं, घिया, तोरी, करेला, ये सारी सब्जियां इस पे होती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फल जो है ज़मीन के साथ नहीं टिकता और फल का एक जैसा कलर होता है। अगर आप टमाटर को बगैर वर्टिकल पद्धति के लगाते हो तो जो नीचे की तरफ का हिस्सा होता है वो पीला होता है, जो सन की तरफ होता है वो लाल हो जाता है, लेकिन वर्टिकल पद्धति में चारों तरफ से लाल होता है, जिसे कंज्यूमर बहुत जल्दी खरीदने पकड़ता है और उसका प्राइस भी अच्छा मिलता है। सेकंड पॉइंट है कि जो हम वर्टिकल पद्धति में सब्जियाँ लगाते हैं तो उनमें से हवा आर पार हो जाती है, जो फंगल डिजीजें, फफूंद की जो बीमारियां हैं वो उसमें बहुत कम आती हैं। और घिया तोरी की बात करें तो हम जब ओपन में लगाते हैं बगैर वर्टिकल पद्धति के तो 10 से 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं, लेकिन वर्टिकल पद्धति पे आने के बाद हम इसको 5-6 फीट पे ही लगा देते हैं तो बेल डबल हो जाती है तो फसल भी डबल हो जाती है। तो अब जो भी किसान भाई इसको करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया साधन है, इससे अपनी आमदनी 2 गुनी से भी ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मेवात में अभी बहुत सारे गांवों में इस पद्धति से खेती की जा रही है और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, जिसके लिए सरकार 31,250 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि भी दे रही है। जो किसान भाई जो अभी टमाटर लगाया है, जिन्होंने घिया लगा रखा है, जो आगे लगाएंगे वो इस पद्धति को अपना सकते हैं। अभी हमारे तकरीबन 25 से 30 गांव में इस खेती को किसान कर रहे हैं और नया पद्धति है तो धीरे धीरे किसान इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ जागरूक किसानों ने इसको अडॉप्ट किया है। अब तक तकरीबन 80 से 85 एकड़ में वर्टिकल पद्धति हम लगवा चुके हैं।